हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑडिटोरियम स्लैब के लिए फोर लेग रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकाली जाती है, एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती है। वो मेरी वीडियो पार्ट 3 प्रिपरेशन ऑफ बीबीएस ऑफ स्टेयरकेस इन एमएस एक्सेल में मैंने डिटेल से समझाया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो हम इस वीडियो में जो दिखाने जा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल बीम है, लेकिन ये इंक्लाइंड सरफेस के लिए है। हॉरिजॉन्टल ये हमारी ऑडिटोरियम की स्लैब है और ये ऑडिटोरियम की सीटिंग स्लैब में अरेंजमेंट होता है इंक्लाइंड। तो इसमें ये बीम हॉरिजॉन्टल है और ये इंक्लाइंड बीम को सपोर्ट कर रहा है। इसमें हमने रिंग का जो अरेंजमेंट है वो कैसे करते हैं वो देखिए। ये ऊपर टॉप का जो स्ट्रिप्स का पोर्शन वो इंक्लाइंड है और नीचे ये वर्टिकल है साइड वाले और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है। तो वो कैसे दिखाई दे कुछ ऐसे और कैसे हम इसको बनाएंगे। ये हमारी ऑडिटोरियम की इंक्लाइंड स्लैब है और ये हमारी नीचे वाली बेस स्लैब है और ये हमारी ऊपर वाली अपवर्ड स्ट्रीम की लेवल स्लैब है। इन दोनों के डिफरेंस से हम वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे। देखो ये हमने ये हमारा सेल है M193 और ये है C196। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल वैल्यू है इसकी ड्राइंग में जो हमें दी गई है। इन्हीं से हम जो थीटा की वैल्यू आएगी उसी वैल्यू को हम फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। जैसे कि हम इसमें बीम का फोटो आपको दिखा चुके हैं, वो 600 बाई 600 का बीम और रिंग है वो इस तरह से 600 बाई 600 का बीम है, तो वो स्क्वेयर बीम। तो मैं 600 में से दोनों तरफ से 25 25 mm का और माइनस कर दिया तो 550, और इसी तरह से टॉप और बॉटम का और 25 25 माइनस कर दिया वो 550। तो हमारा बैलेंस बीम 550 बाई 550 आएगा। और अगर हम इसको बैलेंस सेक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें बीम इस शेप में लेके आना है, साइड पे हमारा इस शेप में बीम है, तो हमें क्या करना होगा। ये देखिए सेंटर में मेरी हाइट है 550 आएगा, इसी तरह से ये मेरा 550 पूरा स्क्वायर बीम है। तो मेरे को क्या करना है, इस शेप में लाने के लिए इधर मैं इसमें से माइनस करूंगा ये डेप्थ और सेम डेप्थ इसमें ये प्लस करूंगा इस 550 में, क्योंकि सेंटर में मेरा बैलेंस तभी आएगा। देखिए सेंटर में बैलेंस निकालने के लिए मतलब 550 रहे तो इधर मेरा कितना आएगा। इसके लिए मैंने फार्मूला लगाया, पहले राउंड लगा दिया ताकि हमारा ये राउंड फिगर में आए। ये राउंड लगा दिया, उसके बाद मेरा है I179। इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये आपको शो करेगा कि 179 कौन है। ये देखिए ये I179 है और अगर मैं वैसे चेक कराऊं ये देखिए और ये है G182। तो हमने क्या क्या सिलेक्ट किया है, I179 इसमें से इसका आधा और इस आधे का, क्योंकि हमारा यहां से लेके यहां तक ये है हमारा इसका आधा बेस का। तो हमारा बेस क्या हुआ, हमारा बेस ये हुआ ठीक है, और हमारा परपेंडिकुलर इसमें ये है और ये एंगल है, क्योंकि बेस के साथ एंगल बनता है हमेशा। तो यहाँ 10 थीटा लगेगा, परपेंडिकुलर निकालेंगे ये 10 थीटा लगेगा। हमारे पास बेस है हमारा इसका आधा, तो ये हमारा ये बेस आ गया और इसका ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है ये कितना आएगा। तो हमने ये इसका 10 थीटा कर दिया, इसका बेस इंटू 10 थीटा, ये 10 थीटा है। तो बेस इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो हमारा ये आ गया। हमें चेक करना है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ ये कैसे चेक होगा। इसी का इस फार्मूले को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसको, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर कितना है। तो ये देखिए मैं इसकी कॉपी करके कॉपी और यहाँ कर देता हूँ इसको पेस्ट इज इक्वल टू कंट्रोल वी। ये हो गया मेरा फार्मूला पेस्ट, ये हमारा आएगा क्योंकि वहां मैंने राउंड लगा रखा है, तो वहां ये आएगा 86 mm, यहाँ ये 85.938 है, तो राउंड में होगा तो 86 mm हो गया। अगर हम 550 में से 86 mm माइनस करेंगे, ये 550 है मेरा, तो मैं ये देखिए यहाँ पे कर देता हूँ 550 माइनस 86, तो कितना आया 464। तो ये 464 है और मैं इसमें इक्वल टू 550 प्लस 86 कर दूं तो कितना आया 636, क्योंकि ये राउंड में है। तो इस तरह से ये मेरा ये देखो ये पूरा का पूरा सेल
सिलेक्ट हो गया ना, ये पूरी हाइट है इसमें 86 mm प्लस हो गया 550 में, और ये सिर्फ ये इसमें से माइनस है ये 86 mm, तो ये यहाँ तक इसकी डेप्थ आ गई, इसका साइज हमारा रिंग का ये है। तो आउटर रिंग निकालने के लिए हमारा इसी तरह से हमारा इंटरनल जो रिंग बनेगा बुडलेट के लिए वो हमारा इससे आधा इधर होगा, इससे आधा इधर होगा, यही सेम फार्मूला उसमें रिपीट, वो हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके उसमें रिपीट करें। फोर लेग रिंग हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन इसमें ये देखिए बॉटम वो इसका हॉरिजॉन्टल है, वो एक साइड है इसकी छोटी और एक साइड बड़ी, ताकि ये ऊपर वाला इंक्लाइंड बीम के साथ मैच कर सके। तो इसमें हमारा डाया है 8 mm, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये अब हम ये निकालेंगे इसका हाइपोटेन्यूज, कि यहाँ से ये तो 550 है, ये हाइपोटेन्यूज आएगा ये 576 कैसे आया। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा, हमारे अब बेस है यहाँ पे 550, और अगर हम बेस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये है थीटा की वैल्यू यहाँ से A10 से लेके यहाँ तक थीटा की वैल्यू, तो बेस डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, तो ये हमारा 576 आ जाएगा, और ये बेस हमने ये 550 है, ये हमारा G5683 है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया, यही फार्मूला सेम कॉपी हमने इस पे कर रखा है। ये हमारा ये अभी इसको हमने फोर लेग कैसे निकालेंगे, पहले हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि हमारा ये यहाँ कितना आएगा। तो यहाँ हमारा टोटल 550 है, इसमें से हमने 25 mm डाया का आधा इधर से आधा इधर से दोनों तरफ से, क्योंकि यहाँ कॉर्नर में बार होगा और यहाँ भी कॉर्नर में बार होगा, तो दोनों बार आधा इधर से माइनस करते आधा इधर से, तो ये हमारा 525 और माइनस 2D, हमारा D है यहाँ 8 डाया, तो ये हमने सिलेक्ट कर रखा पहले ही से, ये इसमें माइनस 8 डाया, तो दोनों तरफ से 8-8 mm कम हो गया, और उसके बाद डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि हमारी यहाँ पे 6 बार हैं और हमारी ये बार यहाँ पे 3 इसके अंदर हैं, तो 2 स्पेसिंग होगी, तो 2 स्पेसिंग हमने ये मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, और फिर दोबारा से हमने ये 25/2 और 25/2 प्लस कर दिया, और प्लस दो बार दोनों बार ये जो माइनस किया था यहाँ से ये 8 डाया, तो ये दोबारा से प्लस कर दिया, तो हमारा ये आउटर साइज आ गया। तो इसी तरह से सेम फार्मूला ऊपर वाला इसमें लगा है, इसमें भी यहाँ पे ये सेंटर में इसकी डेप्थ है वो, तो 550 में से ये हमारा ये देखिए ये सेम फार्मूला लगा दिया, 550 में से हमने ये इसका G5688 ये देखिए ये 5688 है इसका, ये वाला ये रो, ये हमारी रो है 5688, तो हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया 5688/2, और वही 10 थीटा लगाना है इनटू 10 थीटा, बेस इनटू 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया, इसी तरह से ये नेक्स्ट आ गया, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब इसकी कटिंग लेंथ भी सेम फार्मूला जो ऊपर है वो सेम फार्मूला कॉपी कर रखा है यहाँ पे, तो ये आ गया इसमें। अगर हम इस हमारा ये रिंग ये बीम रेक्टेंगुलर होता तो क्या, 600x600 होता तो क्या होता, तो हमारा आउटर रिंग आता ये 550x550, और फॉर्मूला लगता है यहाँ पे ये 2, हमने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, और इसकी 2 साइड है, 1 और ये 2, दिस साइड प्लस दिस प्लस 10D कर दिया, माइनस 5 इंटू 2 तो हमारा बार है, तो 2 हमारा बार, तो यहाँ 20D हो गया, यहाँ 10D हो गया, ये माइनस कर दिया डिवाइडेड बाई 1000, तो इसकी लेंथ आ गई। तो इस तरह से इसकी लेंथ आ गई, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में कितना डिफरेंस होगा, ये इसका डिफरेंस ये 550 है, ये 576 है, तो 26 mm का डिफरेंस, तो इसमें भी यहाँ भी 26 mm का ही डिफरेंस है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें और इसमें 10 mm का डिफरेंस है, तो यहाँ भी ये देखिए ये 1610 है और ये 1600 है। तो इस तरह से हम निकालते हैं, अगर हम इसमें रेक्टेंगल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे या रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे तो हमारी लेंथ हमेशा कम आएगी, तो हमारा रिंग ऐसे बनेगा, तो हमारा फार्मूले यही लगेंगे। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं और प्रैक्टिकली इसको ऐसे अपना साइड पे लगाते हैं, तो ये अरेंजमेंट होता है इसका। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इसके लिए धन्यवाद।